हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने बालों को मोटा, काला, लंबा और घना बना सकते हैं। इस नुस्खे की खास बात यह है दोस्तों कि इसे आपको अपने बालों पर लगाकर 1 घंटा रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे रोज़ बनाना है। बस इस नुस्खे को जब आप अपना हेयर वॉश कर लें उसके बाद कंडीशनर की जगह पर आप इसका यूज़ करें और साफ़ पानी से हेयर वॉश कर लें, जिससे आपके बालों की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और बालों को पोषक तत्व तो मिलेगा। टाइम से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। और दोस्त, हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप यू डूइंग वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अच्छी रेमेडी लेके आए हैं जिससे आपके बाल गिरने पूरी तरीके से कम हो जाएंगे और बालों का रीग्रोथ भी होगा। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर रेमेडी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए केवल 5 रुपये की चीज़ आपको लेनी है। ये सिर्फ चाय पत्ती है। आप सोचते होंगे कि चाय पत्ती सिर्फ चाय पीने के काम आती है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। चाय की पत्ती कितना बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है, हमारे बालों में नेचुरल शाइन लाती है और बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाते हैं, साथ में स्मूथनेस भी लाता है। तो चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। आप कोई सा भी चाय पत्ती ले सकते हैं, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे चाय यूज़ करते हैं वही चाय पत्ती ले सकते हैं। तो चाय की पत्ती किसी वरदान से कम नहीं है, जो हमारे बालों को लंबे, घने और मजबूत बनाता है और रुखे बेजान बालों में अच्छी चमक लाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब आप हेयर वॉश कर लें उसके बाद चाय के पत्ती के पानी को बालों पर डाल सकते हैं। तो बनाने के लिए हम इसमें लगभग 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती लेंगे, जो हम रेगुलर वैसे भी चाय यूज़ करते हैं वही चाय की पत्ती लेंगे हम। और इसी के साथ हम इसमें लगभग 1/2 कप इसमें पानी डालेंगे और इसको लगभग भिगा के 20 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। इसको भिगा के ऐसे ही छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम फिर इसका आगे प्रोसेस करेंगे। इसे याद रखिए 20 मिनट तक छोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि चाय की पत्ती के सारे पोषक तत्व तो पानी में आ जाएं। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको पता लग जाएगा कि आपके बालों की चमक बढ़ेगी, बालों में गंजापन दूर होगा और चाय की पत्ती में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हमारे स्कैल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ की परेशानी होती है वह भी दूर हो जाती है। तो इतना ज़्यादा कारगर ये चाय की पत्ती। तो इसको 20 मिनट तक मैंने भिगा के रखा था। देखिए ऐसे इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। तो अब इसको हम किसी पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको बस चलता है बॉयल कर लेते हैं। इसे बॉयल करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं, लगभग 1/2 कप पानी और मैंने ऐड करा है। तो इसको बस थोड़ी देर बॉयल कर लेंगे, लगभग 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम बॉयल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बॉयल करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बस देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये। तो ये बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। आप इसका ट्राई करके देखिए एक बार। और हाँ, वीक में अगर आप 2 से 3 बार भी हेयर वॉश करते हो, जितनी बार आप हेयर वॉश करते हो इसको कंडीशनर की जगह भी यूज़ करिए, आपको फ़र्क साफ दिखने लगेगा कि कैसे ये कितना ज़्यादा कारगर है बालों के लिए। कई बार क्या होता है कि बालों में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। तो इस रेमेडी का यूज़ करके ना आप इस सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और इसे बनाना बहुत आसान है, चाय की पत्ती हर किसी के घर में उपलब्ध होता है। तो बस इसको बना के इसको बस छान लेना है और छान के इसको ठंडा करके आप स्टोर करके इसको आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। इसको 1 मंथ तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे कांच के बॉटल में या कांच के बर्तन में रखेगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, और प्लास्टिक बॉटल में रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और हाँ, इसको जब भी आप हेयर वॉश करना हो तो आप इसको निकालिए और बस अपने बालों पर अप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। रेमेडी बनके पूरी तरह से रेडी है। फ्रेंड्स, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बालों में रूसी जैसे समस्या होने पर भी बाल हमारे गिरने लगते हैं, तो ये रेमेडी इन सारी परेशानियों को दूर करेगा। इस रेमेडी का यूज़ मात्र से आपको समझ में आएगा कि कितना कारगर है। इसका यूज़ मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने लगे तो ये रेमेडी बेस्ट है, ट्राई करिए इसको आप। मेरे कहने से एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, इसका बेस्ट टेस्ट आप ज़रूर ले सकते हैं और उसके बाद बालों को ट्राई करिए। चाय की पत्ती में जो टैनिन नामक जो पोषक तत्व तो होता है वह हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करता है। मेलानिन और कैरेटिन होता है जो बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। तो बस इसको हेयर वॉश के बाद तुरंत बालों पर अप्लाई करके नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।